देशभर में ऑक्सीजन की कमी से मौतों का सिलसिला थमा नहीं था, वहीं उज्जैन में ऑक्सीजन की कमी को लेकर कोरोना संक्रमितों की मौतों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। इसी को देखते हुए मध्य प्रदेश की कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता नूरी खान ने ऑक्सीजन प्लांट का अचानक जाकर जायजा लिया। उज्जैन की जनता ऑक्सीजन के लिए परेशान है और ऐसे में ऑक्सीजन को देवास भेजा जा रहा है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि उज्जैन में 22 टन ऑक्सीजन आई है, जिसमें से 6 टन रखी गई है और बाकी, जिस पर उज्जैन के लोगों द्वारा सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्यों। नमस्कार, मैं नूरी खान उज्जैन से। उज्जैन में ऑक्सीजन को लेकर त्राही मची हुई है, आम जनता भटक रही है। जो अस्पतालों में भर्ती है उन्हें भी ऑक्सीजन प्राप्त नहीं हो रही है। अस्पतालों के निर्देश है कि बाहर से ऑक्सीजन लाई जाए, और तो और जो लोग होम क्वारंटाइन होकर इलाज कर रहे हैं, ऐसे 500 से 600 गंभीर मरीज हैं जिन्हें ऑक्सीजन की सख्त जरूरत है। सबकी शिकायतें मिलने के बाद आज तपोभूमि के प्लांट में मैं गई थी, जहां से ऑक्सीजन सप्लाई की जा रही है। और बड़ी विडंबना की बात है कि बड़े सिलेंडर वालों को ये कहकर मना कर दिया गया कि बड़े सिलेंडर में गैस नहीं भर पाएंगे, कलेक्टर के और उज्जैन प्रशासन के निर्देश हैं। वहीं पर ऑक्सीजन की बड़ी बड़ी गाड़ियां भरकर देवास, भोपाल और रतलाम में भेजी जा रही है। आज 22 टन ऑक्सीजन उज्जैन में आई, मात्र 6 टन ऑक्सीजन ही सप्लाई की गई, तो बाकी की ऑक्सीजन कहां गई। मैं ये प्रशासन से कहना चाहती हूँ कि अगर आप बड़ी बड़ी गाड़ियां भर के भेज सकते हैं, तो वहीं आप किसी का बड़ा सिलेंडर क्यों नहीं भर सकते हैं। एक साफ गाइडलाइन के तहत ऑक्सीजन अस्पतालों में भी भेजी जाए, जो घरों में इलाज कर रहे हैं उन्हें भी दी जाए, छोटे और बड़े सिलेंडर भी भरे जाए। लेकिन अगर आप वो भरने से मना करते हैं पर ऑक्सीजन बाहर के शहरों में भेज दी जाती है। उज्जैन का अपना प्लांट अलग है, देवास का अलग है, रतलाम का अलग है, भोपाल का अलग है, तो उज्जैन प्रशासन की पहली प्राथमिकता उज्जैन जिले को गैस देने की होनी चाहिए, न कि बाहर भेजने की। धन्यवाद, जय हिंद।